लेट्स डिस्कस क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट. यहाँ चार कंडीशन दिया हुआ है और दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है. सो इक्विवेलेंट होने के लिए दोनों को, जो चारों कंडीशन को होगा, आपस में इक्वल होना होगा. तो चलिए करके देखते हैं हम लोग. सो यहाँ चार कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है. पहला है ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. तो हम लोग इसे जो है एग्जाम्पल के थ्रू इक्विवेलेंट शो करेंगे. तो ए में ले लेते हैं कुछ एलिमेंट, छोटा ही सा लेते हैं एग्जाम्पल ताकि जल्दी से समझ आ जाए. बी में लेते हैं ऐसा कि वो सबसेट हो जाए, ए जो है सबसेट हो जाए बी का. तो तीन एलिमेंट ले लिया. अब यहाँ पहला और दूसरा में हम लोग देखेंगे, ठीक है. यहाँ लेट लिख लीजिए, पहला और दूसरा में देखेंगे, ठीक है. तो यहाँ ए सबसेट ऑफ बी, तो इस कंडीशन से हमें दिख रहा है कि ए क्या है, क्योंकि ए के पास जो भी एलिमेंट है बी में है, तो ए जो है सबसेट है किसका, बी. यहाँ लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी, तो ए सबसेट हो गया किसका, बी का. और यहाँ क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी जब हम लोग निकालते हैं तो वन में से वन माइनस हुआ, टू में से टू माइनस हुआ, और तो इसके पास कुछ है नहीं कि माइनस होगा, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं. इसका मतलब 5, ठीक है. यहाँ फिर से यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन बी. ओके, तो यहाँ से हम लोग को दिख गया कि पहला और दूसरा कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट है. तो वन इज इक्विवेलेंट टू 2, इस तरह से दिखाते हैं इक्विवेलेंट साइन को. अब आते हैं दूसरा और तीसरा के लिए. सो दूसरा कंडीशन तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि a माइनस बी क्या है, 5. तीसरा देखते हैं, a यूनियन 5. तो यहाँ निकालते हैं हम लोग यूनियन, a यूनियन b. तो a और b का यूनियन कैसे निकलता है, a में जितना एलिमेंट है उसे लिख देते हैं, और b में जो इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट है वो लिख देते हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी ही तो है, बी ही है ना, बी ही है ना. तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं ऑल, ये सेम लाइन, ऑल एलिमेंट ऑफ बी ए इन बी. ओके, सो देयरफॉर 2 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्विवेलेंट टू 3. ओके, ये इक्विवेलेंट हुआ था. यहाँ लिख दीजिए कि नाउ इन 2 एंड 3. ओके, सो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो गया. अब हम लोग देखेंगे 3 और 4. नाउ इन 3 एंड 4, 3 और 4 को देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं. ओके, सो 3 में क्या था, ए यूनियन बी, क्या था, बी. अब देखते हैं इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे. तो ए के पास क्या एलिमेंट था, 1, 2, और बी के पास क्या एलिमेंट था, 1, 2, 3. ओके, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन होता है उसे लिख देते हैं. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. तो 1, 2 एलिमेंट क्या है, कॉमन है, लिख दिया. और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो सेट ए. ओके, तो यहाँ पर ही हम देख सकते हैं देयरफॉर 3 इज इक्विवेलेंट टू 4 हो गया. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है. कोई डाउट होता है तो कमेंट करें. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.